हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कांति झा सर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर के बारे में बताएंगे। कांति झा ने 1988 में आई मूवी मार धाड़ से अपने प्रोड्यूसर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे यश चौहान। इस मूवी के लीड कास्ट में हेमंत ब्रिज, मंदाकिनी और हुमा खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 85 लाख रहा। भारत में कमाई 65 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,30,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1991 में कांति झा की मूवी आई गंगा जमुना की ललकार। इस मूवी के लीड कास्ट में चरण देव, गोवा कपूर और कादर खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 50 लाख रहा। भारत में कमाई 36 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 65 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1992 में कांति झा की मूवी आई बसंती तांगे वाली। इस मूवी के लीड कास्ट में एकता सोनी, सदाशिव अमर पालकर और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 25 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 42 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति झा की मूवी आई गंगा बनी 16। इस मूवी के लीड कास्ट में अनुपम खेर, शक्ति कपूर, दिलीप ताहिल, कादर खान और किरण कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 45 लाख रहा। भारत में कमाई 36 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 67 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1993 में कांति झा की मूवी आई भूलन हसीना रामकली। इस मूवी के लीड कास्ट में शक्ति कपूर, राजा मुराद, अवतार गिल और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 45 लाख रहा। भारत में कमाई 65 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,05,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल कांति झा की मूवी आई आग का तूफान। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, रवि किशन और सदाशिव अमरपालकर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रहा। भारत में कमाई 2,05,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,95,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल कांति झा की सातवीं मूवी आई रानी और महारानी। इस मूवी के लीड कास्ट में दामिनी, इरशाद अली और सदाशिव अमरपालकर शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 31 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 60 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1994 में कांति झा की मूवी आई आग और चिंगारी। इस मूवी के लीड कास्ट में रवि किशन, असरानी, शक्ति कपूर और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 33 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 63 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 1995 में कांति झा की मूवी आई आग, आदमी और तूफान। इस मूवी के लीड कास्ट में मुकेश खन्ना, मुकेश गोयल और साधना सिंह शामिल थे। इस मूवी का बजट 28 लाख रहा। भारत में कमाई 32 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 56 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति झा की मूवी आई वीर। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, गौतम और जयाप्रदा शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,70,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,90,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1996 में कांति झा की मूवी आई रंगबाज। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, शिल्पा, कादर खान और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 2,10,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,99,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1997 में कांति झा की मूवी आई लोहा। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, रम्या कृष्णा और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,30,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,23,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1998 में डायरेक्टर जीत की मूवी आई मौत। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे कांति झा। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना और राज प्रेम शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 लाख रहा। भारत में कमाई 26 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 35 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति झा की मूवी आई गुंडा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, मुकेश ऋषि और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,13,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,71,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1999 में डायरेक्टर एस गोयल की मूवी
मूवी आई भूत का डर। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे कांति झा। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना और राजेश विवेक शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 35 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 60 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति झा की मूवी आई मुन्नी भाई। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, सपना और जॉनी लीवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 29 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड़ 27 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 2000 में कांति झा की मूवी आई डाकू महाकाली। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश विवेक, शक्ति कपूर, मोहन जोशी शामिल थे। इस मूवी का बजट 60 लाख रहा। भारत में कमाई 99 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 72 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल कांति झा की मूवी आई मेरी जंग का ऐलान। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र और सपना शामिल थे। इस मूवी का बजट 65 लाख रहा। भारत में कमाई 83 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 43 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लू एवरेज रही। इसी साल कांति झा की 18वीं मूवी आई जल्लाद नंबर 1। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, शक्ति कपूर और किरण कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 50 लाख रहा। भारत में कमाई 25 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 43 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति झा की 19वीं मूवी आई डाकू गंगा यमुना। इस मूवी के लीड कास्ट में रजा मुराद, शक्ति कपूर और किरण कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 60 लाख रहा। भारत में कमाई 55 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 38 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2001 में कांति झा की मूवी आई गलियों का बादशाह। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, इशरत अली और सोनम शामिल थे। इस मूवी का बजट 60 लाख रहा। भारत में कमाई 28 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति झा की मूवी आई जगीरा। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, किरण कुमार और इरशाद अली शामिल थे। इस मूवी का बजट 50 लाख रहा। भारत में कमाई 23 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 40 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति झा की 21वीं मूवी आई जंगल की शेरनी। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना और पिंकी शामिल थे। इस मूवी का बजट 35 लाख रहा। भारत में कमाई 46 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति झा की 22वीं मूवी आई जरूरत। इस मूवी के लीड कास्ट में शक्ति कपूर, हेमंत और पिंकी शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 लाख रहा। भारत में कमाई 13 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति झा की 23वीं मूवी आई आग के शोले। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना और अमित पंजोली शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा। भारत में कमाई 7 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति झा की 24वीं मूवी आई बदला शेरनी का। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना और अमित पंजोली शामिल थे। इस मूवी का बजट 35 लाख रहा। भारत में कमाई 25 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2002 में कांति झा की मूवी आई कातिल चुड़ैल। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, विनोद त्रिपाठी और अमित पंचोली शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा। भारत में कमाई 7 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति झा की मूवी आई डुप्लीकेट शोले। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, अमित पंचोली और अनिल नागराज शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा। भारत में कमाई 27 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल कांति झा की 27वीं मूवी आई शोला भाई। इस मूवी के लीड कास्ट में अमित पंचोली, विनोद त्रिपाठी शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा। भारत में कमाई 13 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति झा की 28वीं मूवी आई दरवाजा। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद त्रिपाठी और अमित पंचोली शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा। भारत में कमाई 22 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल कांति झा की 29वीं मूवी आई खूनी शैतान। इस मूवी के लीड कास्ट में नीतु, टीना जोशी और विनोद त्रिपाठी शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 लाख रहा। भारत में कमाई 24 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2003 में कांति झा की मूवी आई गंगा की सौगंध। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, अमित पंजोली और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 लाख रहा। भारत में कमाई 11 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति झा की मूवी आई प्यासा हैवान। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, कांति झा और रणधीर सिंह शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा। भारत में कमाई 25 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति झा की 32वीं मूवी आई प्यासी। इस मूवी
मूवी के लीड कास्ट में सपना, अमित पंचोली और जोगिंदर शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा, भारत में कमाई 23 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति शाह की 33वीं मूवी आई जंग के शोले। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, सतराम कौर और विनोद त्रिपाठी शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा, भारत में कमाई 14 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2004 में कांति शाह की मूवी आई प्यासी भूतनी। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, सतराम कौर और विनोद त्रिपाठी शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा, भारत में कमाई 10 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति शाह की मूवी आई रातों की रानी। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, अमित पंचोली और विनोद त्रिपाठी शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा, भारत में कमाई 9 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति शाह की 36वीं मूवी आई जंगल का शेर। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, संजय और अनिल नागराज शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 लाख रहा, भारत में कमाई 17 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति शाह की 37वीं मूवी आई एक नामर्द। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, विनोद त्रिपाठी और अनिल नागराज शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा, भारत में कमाई 10 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति शाह की 38वीं मूवी आई कामज्वाला। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना और अमित पंचोली शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 लाख रहा, भारत में कमाई 25 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति शाह की 39वीं मूवी आई चीख। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, विनोद त्रिपाठी और अनिल नागराज शामिल थे। इस मूवी का बजट 24 लाख रहा, भारत में कमाई 60 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2005 में कांति शाह की मूवी आई खूनी। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल नागराज, विनोद त्रिपाठी शामिल थे। इस मूवी का बजट 24 लाख रहा, भारत में कमाई 16 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति शाह की मूवी आई गरम। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना और इमरान शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा, भारत में कमाई 24 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति शाह की 42वीं मूवी आई अंगूर। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, अमित पंचोली और अनिल नागराज शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 लाख रहा, भारत में कमाई 35 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल कांति शाह की 43वीं मूवी आई दरिंदा। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, अमित पंचोली और नीतू शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा, भारत में कमाई 12 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति शाह की 44वीं मूवी आई कच्ची कली। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, अमित पंचोली और अनिल नागराज शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा, भारत में कमाई 10 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2006 में कांति शाह की मूवी आई री एंट्री। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, अमित पंचोली और अनिल नागराज शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा, भारत में कमाई 14 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति शाह की मूवी आई नो पार्किंग। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, अमित कपूर और अमन सागर शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा, भारत में कमाई 7 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति शाह की 47वीं मूवी आई गरम पड़ोसन। इस मूवी के लीड कास्ट में शकील, अरुण वर्मा और कमल मलिक शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा, भारत में कमाई 7 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2007 में कांति शाह की मूवी आई बेडरूम। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, अमित पंचोली और अनिल त्रिपाठी शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा, भारत में कमाई 15 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल कांति शाह की मूवी आई गब्बर सिंह। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, अमित पंचोली और विनोद त्रिपाठी शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 लाख रहा, भारत में कमाई 15 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2010 में कांति शाह की मूवी आई लगे रहो पार्टनर। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा, भारत में कमाई 3 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2014 में कांति शाह की मूवी आई एमएमएस कांड। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना और मोंटी शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा, भारत में कमाई 11 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2015 में कांति शाह की मूवी आई ओके द रियल स्टोरी। इस मूवी के लीड कास्ट में पूनम राय, सरस्वती और विनोद त्रिपाठी शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 लाख रहा, भारत में कमाई 13 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही।
2016 में कांति शाह की मूवी आई हॉन्टेड जंगल। इस मूवी के लीड कास्ट में सरस्वती और पूनम राय शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा, भारत में कमाई 15 लाख हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही और यही अब तक की कांति शाह सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको कांति शाह सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें प्लीज। दोस्तों, थैंक यू।